सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने। वेलकम बैक फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आपको महिलाओं के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक टेबलेट, जिसे आप में से कई सारे फ्रेंड्स इसे इसके ब्रांड नेम्स मिथार्जिन के नाम से जानते होंगे, या फिर आप में से कई सारे फ्रेंड्स मिथार्जिन टेबलेट का प्रयोग भी किया होगा कभी न कभी, या फिर कभी न कभी किसी को प्रयोग में देते हुए देखा भी होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मिथार्जिन टेबलेट है वह सिर्फ और सिर्फ आपका फीमेल्स के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मिथार्जिन आपका दवा का ब्रांड नेम हो जाता है। अगर हम इसके मूल कंपोजिशन की बात करते हैं तो वह आपका मिथाइल लेग्रोमेटिनिन होता है, जो कि 0.125 की स्ट्रेंथ में आपका अवेलेबल होता है। बट यह मिथार्जिन के नाम से फ्रीली किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है और यह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अपने मिथार्जिन नाम से ही। मिथार्जिन के अलावा अगर हम इसके और कुछ ब्रांड नेम्स की बात करते हैं तो उसमें आपका मेटेरोगो टेबलेट, ट्रेन टेबलेट, मिथाइडेन टेबलेट एवं इमाट्रिन टेबलेट हैं। तो ये इनके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है, जिस ब्रांड नेम से भी यह आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, बट यह सिर्फ और सिर्फ आपको मिथार्जिन के नाम से भी मिल जाती है। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आगे हम वीडियो में सीखेंगे, जिनमें मेनली तौर पे हम सीखेंगे कि किस प्रकार की जब कंडीशंस होती है फीमेल्स को, तब यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है एवं प्रयोग में लिया जाता है। साथ ही साथ जब किसी फीमेल को यह टेबलेट दिया जाता है तो उसके अंदर क्या कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, किस डोज में फीमेल्स को दी जाती है और देते समय क्या कुछ सावधानियां रखी जाती है। तो इन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हम आज सीखने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि किसी और के भी काम आ सके। मैं हूँ आपका दोस्त किशन, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने जाना कि जो मिथार्जिन टेबलेट है आपका वह सिर्फ और सिर्फ आपको फीमेल्स के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो अगर हम इसके यूजेज की तरफ देखते हैं विस्तार से, तो इसका जो सबसे पहला प्रयोग होता है, यदि कोई फीमेल जिनको डिलीवरी के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा हो और ब्लीडिंग रुक ना रहा हो, तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आपको डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि कोई फीमेल जिनको हाल में ही एबॉर्शन हुआ हो, या फिर कोई फीमेल जो कि एमटीपी किट का इस्तेमाल की हो, मतलब एबॉर्शन प्रेगनेंसी टर्मिनेशन किट का इस्तेमाल किया और उसके बाद एबॉर्शन के बाद उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा हो, तो उस ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या फिर आफ्टर चाइल्ड बर्थ अगर फीमेल को ब्लीडिंग हो रही हो, उस ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अगर हम ओवरऑल देखते हैं और सिंपल शब्दों में समझते हैं मिथार्जिन टेबलेट के यूज के बारे में, तो यदि कोई फीमेल जिनको यूटेरस से किसी भी कारणवश ब्लीडिंग हो रहा हो, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए एवं प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यह जो मिथार्जिन टेबलेट होता है वह हमारे स्मूथ मसल्स, जो कि हमारे यूटेरस के स्मूथ मसल्स होते हैं, उसके ऊपर कार्य करता है एवं उसको कॉन्ट्रैक्ट करके काम करता है, जिससे जो फीमेल्स की ब्लीडिंग होती है वह रुक जाती है। यूजेज जानने के बाद अब हम वीडियो में जान लेते हैं दोस्तों मिथार्जिन टेबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। अगर हम मिथार्जिन टेबलेट के कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो उसमें फीमेल्स को नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, फीमेल के सर में दर्द हो सकता है, फीमेल को दौरे पड़ सकते हैं एवं जो फीमेल का हार्ट रेट है वह भी बढ़ सकता है, साथ साथ फीमेल का जो ब्लड प्रेशर है वह भी हाई हो सकता है। तो ये इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है। ये साइड इफेक्ट्स या फिर इसके अलावा कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिले, तो आप फर्दर अपने डॉक्टर को बताएं, ताकि जो डॉक्टर है वह जल्द से जल्द आपको अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। अब वीडियो के अगले हिस्से में हम जान लेते हैं दोस्तों इसके डोज के बारे में। वैसे किसी भी टाइप के जो मेडिसिन का डोज होता है वह पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, पेशेंट स्केज के ऊपर, वेट के ऊपर एवं कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। यह भी जो टेबलेट है इसका भी जो डोज होता है वह आपको फीमेल्स के कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, कि फीमेल की जो कंडीशन है वह ब्लीडिंग किस प्रकार से हो रही है एवं कितने दिनों से ब्लीडिंग हो रही है, तो इन सारे कंडीशंस को देख करके ही डॉक्टर आपका डोज एडजस्ट करते हैं। वैसे जो कॉमन डोज दिया जाता है वह आपको वन टेबलेट दिन में एक बार या फिर दिन में कई बार दो बार भी सलाह लेने की सलाह दी जाती है, मतलब 0.125 mg की जो स्ट्रेंथ की टेबलेट आती है वह एक या फिर दो लेने की सलाह दे सकते हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप किसी भी प्रकार के मेडिसिन का प्रयोग खासतौर पर बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए एवं प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए OTC के रूप में प्रयोग में ना लें।
मतलब ओवर द काउंटर परचेज करके प्रयोग में ना ले, नहीं तो उससे होने वाले घातक दुष्परिणाम के जिम्मेदार अब खुद होंगे। अब वीडियो के लास्ट में हम सीख लेते हैं दोस्तों इसे कुछ सेफ्टी एडवाइसेस के बारे में, जिसके बारे में जानना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार के मेडिसिन का प्रयोग OTC के रूप में प्रयोग में ना लें। इसके अलावा यदि कोई फीमेल जिनको हार्ट से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या हो, लीवर से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या हो, या फिर किडनी से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या हो, तब भी वो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आप खास तौर पर इन बातों का ध्यान रखें। और एक चीज़ मैं यह बताना चाहूँगा कि आप कभी भी इस टेबलेट का प्रयोग ओवरडोज प्रयोग में ना लें। मतलब ओवरडोज अगर आप लेते हैं तो आपको हो सकता है और भी कुछ ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ जाए। तो आप खास तौर पर इन बातों का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने आपको संपूर्ण डिटेल्स दिया है मिथार्जिन टेबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर हिट कर ले ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो वीडियो है किसी और के भी काम आ सके। आप थे अपने दोस्त किशन के साथ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत